सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेकमाइंडवर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के UPI ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना, बैंक अकाउंट को लिंक करना और ट्रांजेक्शन करना बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक UPI। ये देखिए भीम IOB UPI ऐप आ गया है, इस पर क्लिक कर लेंगे। मैंने इस ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ऐप का साइज लगभग 9.5 MB का है। अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो ऐप कुछ ही समय में इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए ऐप इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन 5.0 या 5.0 से नीचे का है तो बैंक में रजिस्टर्ड सिम कार्ड को स्लॉट 1 में डालना होगा। मैं एंड्रॉयड वर्जन 5.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सिम स्लॉट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ से बैंक में रजिस्टर्ड सिम कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। अब प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब 4 डिजिट का ऐप लॉगिन पासवर्ड रखना है। चलिए पासवर्ड रख लेते हैं। कंफर्म में भी सेम पासवर्ड डाल देंगे। अब यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। अगर इन फ्यूचर ऐप का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बताकर पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स में टिक कर देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब व्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ऐप को लॉगिन करने पर फर्स्ट इंटरफेस इस तरह से मिलेगा। अब सबसे पहले एक BPA रखना होगा और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। BPA रखने के लिए यहाँ मैनेज BPA पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी पसंद का कुछ भी BPA रख लेंगे। यहाँ से BPA फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। आप BPA को 1 टाइम यूज करना चाहते हैं या मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं। मैं मल्टीपल टाइम के लिए इसी BPA को यूज करना चाहता हूँ। यहाँ डेली अमाउंट लिमिट डाल देंगे, यहाँ मंथली अमाउंट लिमिट डाल देंगे, यहाँ डेली और मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए BPA सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। चलिए आप बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं, इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ मैनेज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कोई अकाउंट ऐड नहीं है, अकाउंट ऐड करें, इसे ओके कर देंगे। अब इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी बैंक्स दे रखे हैं, आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए बैंक अकाउंट आ गया है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। दोस्तों, आपने ऐड किए गए अकाउंट के साथ पहले से UPI पिन सेट कर रखा है तो ट्रांजेक्शन के टाइम उसी UPI पिन को यूज कर सकते हैं। अगर UPI पिन सेट नहीं किया है तो पहले आपको UPI पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। चलिए अब मैं आपको ट्रांजेक्शन करना बता देता हूँ, इसे ओके कर देते हैं। सबसे पहले हम पे ऐड करेंगे, मैनेज पे पर क्लिक करेंगे। अब इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से BPA, MMID और बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। पहले हम BPA ऐड करते हैं। यहाँ पर पेई का BPA डाल देंगे, यहाँ पर निकनेम डाल देंगे, निकनेम नहीं है तो नाम को ही सॉल्ट में डाल देंगे। अब यहाँ पर डेली अमाउंट लिमिट डाल देंगे
यहाँ मंथली अमाउंट लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही पे का बीपी एड्रेस वेरीफाई होने लगेगा। ये देखिए एड्रेस वेरीफाइड हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर पे का नाम ऑटोमेटिक आ गया है, आप सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए एड्रेस ऐड हो गया है। चलिए अब एक अकाउंट नंबर ऐड कर लेते हैं, इसे ओके कर देते हैं। फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे का निकनेम डाल देंगे, यहाँ अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ आईएफएससी कोड डाल देंगे, अब यहाँ पर डेली अमाउंट लिमिट डाल देंगे, यहाँ मंथली अमाउंट लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अकाउंट ऐड हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। चलिए अब बैंक अकाउंट में रुपए भेजते हैं, यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट से रुपए भेजने हैं, यहाँ पर रुपए डाल देंगे, यहाँ पर टुडे ही सेलेक्ट रहने देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और पे पर क्लिक कर देंगे, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए रुपए सेंड हो गए हैं। चलिए अब BPI एड्रेस पर रुपए सेंड करना बता देता हूँ। यहाँ से बैक चलते हैं, यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट से रुपए भेजने हैं, यहाँ बेनिफिशियरी का BPI एड्रेस आ गया है, अब यहाँ पर रुपए डाल देंगे, यहाँ टुडे ही सेलेक्ट रहने देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और पेपर क्लिक कर देंगे, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए रुपए सेंड हो गए हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं, अब यहाँ कलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट में रुपए मंगाने हैं, यहाँ पेयर का BPI एड्रेस आ गया है, यहाँ पर रुपए डाल देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और कलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट चली गई है। चलिए अब मैं आपको बाकी के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, इसे ओके कर देते हैं। आप यहाँ सेंड मनी पर क्लिक करके भी रुपए भेज सकते हैं और कलेक्ट मनी पर क्लिक करके रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोनों का प्रोसेस वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पे वाई QR कोड पर क्लिक करके आप QR कोड स्कैन करके रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो यहाँ पेंडिंग अप्रूवल में शो होगी। यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। अभी हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब यहाँ शो हो रहे हैं। मैनेज अकाउंट, मैनेज BPA और मैनेज पे के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब मैं आपको ऐप का लॉगिन पासवर्ड चेंज करना और ऐप को डी रजिस्टर्ड करना बता देता हूँ। यहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे, चेंज एप्लीकेशन पिन पर क्लिक करके ऐप का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पुराना पिन डालिए और यहाँ नया पिन डाल देंगे, कन्फर्म में भी नया पिन डाल देंगे और चेंज ऐप पिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ डी रजिस्टर्ड पर क्लिक करके आप ऐप को डी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।